हेलो फ्रेंड्स, आज हम दशहरा मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं, रावण दहन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है क्यों? मुझे तो नहीं पता। चलो जानते हैं। हजारों साल पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो आधा राक्षस था और आधा भैंसा था। भैंसा एज इन बफेलो, बियर्डो। उसने बहुत कठिन तपश्चर्या से भगवान ब्रह्मा को खुश किया था। महिषासुर बोला कि उसे कोई नहीं मार सकता, ना कोई इंसान ना कोई देवता। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। बस फिर क्या, महिषासुर को लगा कि अब वो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। उसने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। उसने देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। डरे हुए देवता आ पहुंचे ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने के लिए। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, निर्मा, दुर्गा आदि शक्ति को प्रकट किया। अब वक्त आ गया था महिषासुर को दिखाने का कि Who is the real boss? एक घमासान युद्ध हुआ। एक या दो दिन नहीं, लेकिन 10 दिन तक चला ये युद्ध। और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और जगत शांति हुई। और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम दुर्गा पूजा करते हैं। इसलिए हम माँ शक्ति को धन्यवाद देने के लिए 9 दिन नवरात्र मनाते हैं और 10वें दिन दशहरा। माँ दुर्गा के 9 रूप है, शैलपुत्री जो बैल पे सवार होती है, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कृष्णमंडा सूर्य के समान तेज, स्कंद माता या पद्मासना देवी भी कहा जाता है, कात्यायनी कालरात्रि स्वरूप, महागौरी सफेद जैसे शंख चक्र चंद्रमा, सिद्धदात्री सिंह पे सवार करने वाली। ये अलग अलग शक्ति के रूप है जिसे हम हर औरत में देखते हैं। आत्मनिर्भरता, प्यार, क्रोध, सच्चाई, आत्मविश्वास, जोशीली, भावुक और ना जाने कितने। तो ये 9 दिन हम देवी के सारे रूपों की पूजा जरूर करें, लेकिन हर दिन अपने आजू बाजू में हर औरत का सम्मान करना ना भूलें। और 10वें दिन हम मनाते हैं दशहरा। दशहरे के दिन राम जी ने रावण का वध किया था और सत्य की जीत हुई असत्य पे। तो चलो इस दशहरे को हम हमारे अंदर के 10 सिर वाले बुरे राक्षस को मारते हैं, जैसे क्रोध, मोह, काम वासना, लोभ, माद, मद, स्वार्थ, अमानवता, अहंकार और अन्याय। ये त्योहार खुशी से मनाए एंड हैप्पी दशहरा। वी आर गोइंग टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस फुल ऑफ फन, इंफॉर्मेशन, मोर स्टोरीज एंड मस्ती। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टाटा, बाय।